बूढ़े ले ले, सो बोले क्या भैया जब बड़े बूढ़े कितने के हैं, बोले ज्यादा नहीं 500 रुपया गया, तो जे हमें बड़े बूढ़े दे दो उनने में मट्टी के बड़े बूढ़े ले ले 500 रुपया। पंडितानी जैसी की तैसी हो गई। अब पंडितानी करें का सवेरे उठो करें रोज खूब उन्हें सवेरे ही झाड़ पोंछ के खूब उनको मुंह खूब ऐसे कर दे में और फिर खूब उन्हें खवाए पियाए के तब और काम करें होत कत भैया। पंडित जी जब लौट के आए तो उनने देखो पंडितानी की और हालत खराब हो गई, तो बोले तुम्हें तो अब की बार 500 रुपया दे गए थे। पंडितानी बोली देखो तुम्हें नहीं कहा था कि अगर घर के घर बड़े बूढ़े होते तो कोई तुम्हें ऐसे ठग के नहीं ले जा पातो, तासे एक दिन भाव का तुम आते नहीं, 500 रुपया जो तुम हमें खाए को दे गए थे सो बड़े बूढ़े बिचन आए गए, सो हमने 500 रुपया के बड़े बूढ़े। पंडित जी ने एक तमाचो मारो, पागल कहीं थी, बड़े बूढ़े कौन खरीदे जाते हैं, वो तो कुदरती भाग्य से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। पंडित जी ने सोची जाए ऐसे हमें बर्बाद कर दिया, कैसे करो तुम घर से निकल लो, तुम्हारे लिए हमारे घर में जगह, जल्दी निकलो एकदम निकलो, और बड़े बूढ़े उठाओ, बड़े बूढ़े उठाओ जी इन्हें और ले जाओ। अब बिचारी ने बड़े बूढ़े मट्टी वाले उठाए ले ऐसे लगा के सीना से, चल भाई चलते 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 जंगल में पहुंची, रात हो गई, सो इतनी डराए रही थी सो पेड़ पे चढ़ के ऊपर बैठ गई पंडितानी और बड़े बूढ़े ऐसे लगाए। और भाई रात में चोर कौन से चोरी करके दौलत लूट के लाए थे, सो भाई पेड़ के नीचे बैठे पटवारों कर रहे थे। पंडितानी की नजर पड़ी, हाय चोर बैठे, अगर इनने कहूं हमें देख लो तो पता नहीं क्या करें। तो पंडितानी को जिए करे जो थर थरानो, और जब थर थरानो तो ऐसे ऐसे भाई, और जो ऐसे ऐसे भाई सब बड़े बूढ़े छूट गए और बड़े बूढ़े खड़बड़ाए के नीचे गिरे आए, और जो चोरों पे गिरे सो चोर एकदम से भड़बड़ाए गए, अरे बोले भागो भागो, चोर सब दौलत डार के भाग गए। अब पंडितानी और ज्यादा घबराए गई, सब पंडितानी खड़बड़ाती भाई उन्हीं के ऊपर गिरिंगा। अब पंडितानी ने देखी दौलत ही दौलत, तो पहले के समय में वे 12-12 गज के लांगा पहने जाते, सो पंडितानी ने सोई फैला खूब जल्दी जल्दी भरो, और भर के बड़े बूढ़े संग ही ले लाए और लेके चल भाई। अब जैसे ही पहुंची पंडित जी के घर, पंडित जी पंडित जी ने सोची फिर आ गई जा, सो एकदम से पंडित जी क्या है गेट खोला, अरे बोले गेट धीरे से खोलो मती, खोलो तो पहले गेट खोलो, आगे बढ़ी सो उनने पूरे आंगन में पंडित जी कौन लगे काका उसे डकैती डाल के लाई, बोले डकैती नहीं जब बड़े बूढ़े की आड़ है, का है बड़े बूढ़े की आड़, जे ना बड़े बूढ़े गिरते ना चोर भजते वरना जब दौलत तो किनसे मिली, बड़े बूढ़े से, मट्टी के बड़े बूढ़े से। अगर साक्षात में बड़े बूढ़े होते तो क्या नहीं किया, तो सत्य है जिस घर में बड़े बूढ़े की इज्जत है सम्मान है प्यार है उस घर में किसी भी चीज की कमी कभी नहीं रहती है। और फिर कथा भागवत का मतलब होता है कि कुछ सुन के उसका अनुकरण करें, उसका स्मरण करें, उस पे मनन करें, उस पे विचार करें, तब तो कथा सुनना है, और नहीं तो कथा सुनी बोले हमने सुन जर कितनी डारी,
सुनी और डर गई और चले गए, उससे कोई मतलब नहीं हलूगा। तो इस तरीके से कंस ने ऐलान जब इस प्रकार से किया।